आओ चौथे जंग दे महान इतिहास वल वधिए जदे विच पैंदे खां नमक हरामी दा वध कीता है पातशाह ने। हुण तीन जंगा शाहजहान हार गया है ते मुश्किल ये खड़ी हो गई भी हुण चौथी जंग लई कोई तैयार नहीं हुंदा। गुरु हरगोबिंद साहब नूं झुकाया जा ना सकिया, बड़ियां फौजां मरवा लईयां। शाहजहान ने वंगारिया सी भी हद हो गई, एक फकीर नहीं ढहिंदा साडे कोल। ओ खानदानी तलवारीए ने मेरी फौज विच जिन्हां दी उम्र तलवार ते ढाल दी शां हेठ लंघी है उन्हां कोलों एक फकीर नहीं ढहिंदा। ललकारिया सी इसने। इस जंग दे दरमियान बीड़ा चुकिया सी काले खां ने और नाल नमक हरामी पैदे खां रलिया सी, जिहड़ा दावा करदा सी भी गुरु ने पहली जंग मेरे आसरे जीती है। गुरु दे सूरमियां नूं मैं तैयार कीता है, जिन्ना भी बाहूबल ओह दर्शाउंदे ने ओह सारी ट्रेनिंग मैं दित्ती है। गुरु हरगोबिंद साहिब दे जरनैल सन बाबा बिधी चंद जी, बाबा गुरदित्ता जी। इस जंग विच छोटी उम्रे गुरु तेग बहादुर साहिब ने तलवार भी चलाई है, तेग दे धनी दी तलवार भी चली है। वेखो 14 साल की उम्र, ते 14 साल की उम्र विच दे साडे बच्चिआं नूं गल करन दा चज नहीं हुंदा, जंगे ना की लड़। यह गुरु क्या दिया साखियां, ये 7 ते 9 साल दे नीयां विच खड़ जांदे ने, पै कोई नहीं। ये 14 ते 17 वरिया दे 10 लख नंगी तलवार ते नच के जकारे छड़ दे ने, इहनां नूं पै कोई नहीं। ये गुरु क्या दिया साखियां ने, इत्थे साडे बच्चिआं नाल कंपैरिजन नहीं हो सकदा। कारण की है, वह खुद खुदा दे जाए ने, असी नाचीज लोग हाँ। हाँ उन्हां दे इतिहास तो यह समझ लगती है भी बाणी पढ़ने वाले नूं भय नहीं रहिंदा मौत दा। फला यार खां एक मुसलमान कहिंदा है भी उन्हां नूं डारी कोई नहीं है, उन्हां दी खलड़ी अंदर। 14 साल दे गुरु तेग बहादुर साहब साहिबजादे गुरु हरगोबिंद साहब दे इस जंग विच लड़े ने, आओ इहदा कारण की बनता है। अच्छा, यह बाबा गुरदित्ता जी का जिहड़ा दूसरा पुत्र सी ना धीरमल, उन्हें इस जंग विच पातशाह दे उल्ट मुगलां दा साथ निभाया सी, और इसे करके ही सिख जगत विच अज तक यह हुक्म लागू है पातशाह दा भी धीर मलियां नाल किसे ने रोटी बेटी दी साझ नहीं पाई। महाराज ने इस जंग दे विच बड़ा कमशान दा बाहूबल विखाया है। एक सौदागर जिस दा नाम बदश खां है, वह गुरु हरगोबिंद साहिब दे दर्शनां नूं आया। उहदे नाल कुछ चेले बाल के सन, वह भेटावां लैके आया। उहदे बारे यह भी जिक्र आउंदा है कि वह शायद बदश खां नगर दा सी, कोई उहदा जिक्र खरदा उहदा नाम बदश खां सी। खैर, वह एक सौदागर आया, जिवें आपां आउंदे ना गुरु दे दर ते, कुछ ना कुछ कोई डालर चढ़ा जाता, कोई सरोपे लै आउंदा, एक घोड़ा, एक सरबाज, एक सुंदर तलवार, एक टाला, एक कलगी, एक पोशाक लैके आया है। ये 6 दातां वह लैके आया। पातशाह नूं कहिंदा तुहाडियां ही बख्शियां ने। हुण देव ने तो जैसी सी ये 4 वस्तुआं पातशाह ने दित्तियां। पैंदे खां दा जवाई असमान खां, वो किते जदों पैदे खां कोल ये गुरुकियां बख्शिशां वेखदा है, वो हैरान रह गया भी इदां दा अरबी घोड़ा महंगा कदे तकिया नहीं है, इदां दी तलवार नहीं टकी, इदां दा वलैती ढाला नहीं टकिया, इदां दी पोशाक नहीं टकी। वो अपने सहुरे नूं कहिंदा भी ये मैनूं दे दे। उन्हें समझाया भी गुरु की बख्शिश है, जिसनूं मिले उहदे कोल ही सोभा पाउंदी है। पर हुण धीआं वाला सी, उहदा जोर ना चलिया। जदों जवाई भाई ने असमां खाने वह दातां लै लिया, तो हुण पैंदे खां दरबार विच किवें जावे, नमोशी होवेगी। बाबा गुरदित्ता जी एक दिन शिकार नूं चढ़े, हुण बाज दा सुभा है शिकार दे पिछे उड़दा है, तो वह बाज पैंदे खां दे जवाई ने पकड़ लिया। जदों पैंदे खां दे जवाई असमां खां ने वह बाज पकड़ लिया, घर लै गया। बाबा जी नूं खबर मिल गई भी इहदे घर ही है। पैंदे खां नूं सद्या गुरु पातशाह ने, ऐ पैंदे खां सुनिया है भी बाज
तेरे कारण। मैं देखा कहिंदा जी नहीं मेरे घर बाज नहीं है। महाराज कहिंदे साडे सिख कहिंदे ने ते मैं देखा कहिंदा ये झूठ बोलदे ने। सिखां नूं झूठे कह दिता। जदों इन्ना वचन हो गया महाराज ने बाबा बिधी चंद नूं इशारा कीता। उन्हें घोड़े नूं अड्डी लाई पहुंचिया पैंदे खां दे घर ते उत्थों बाज लैके आ गया। बाज खो के लै आया। महाराज कहिंदे पैंदे खां तू नमक खाधा है गुरु करदा बचपन तों लैके अज तक तैनू माता पिता दी न्याई असी बुरकियां दे के पालिया है ते तू अपने माई बाप नाल अपने इष्ट नाल झूठ बोले कुफर तोले ये ठीक नहीं। कहिंदा महाराज तुहाडे सिख भी झूठे तुहाडा जरनैल ये बिधी चंद भी झूठा बाज किधरे होर गया होवेगा ते जान बुझ के लिया के इत्थे इल्जाम ला रहा है भी मेरे घरों लब्भा है। अपने जवाई भाई की खातर गुरु क्या नाल वगाड़ बैठा। साडा भी सुभा है दुनिया नूं मनाउंदे मनाउंदे गुरु नानक नूं ही रसा बहिने असीं भी आ लोग ना कि नाराज हो जाए गुरु नानक की कि गल है मना लवेंगे ये भुलेखा है वड्डा। लोग मने भी रहन से कोई भला नहीं कर सकते झोलियां तो गुरु नानक ने भरनिया ने जे रुस गया तो तप्पड़ रोल दिता जे पले नहीं जे कख रहन दिता। जदों आख्या भी तुहाडा ये जरनैल बाबा बिधी चंद भी झूठा महाराज कहिंदे पैंदे खां अल्फाज बड़े गलत पैदा कर रहा है। इन्हां नूं लगाम दे जबान ते लगाम कस लै इत्थे मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो गुस्से में आके कहिंदा जी मेरा की कर लवोगे मेरे आसरे जंगा जित दे आए हो मुश्किल तुहाडे लई खड़ी हो जाएगी जे मैं विटर गया ते। ते अगे ते मैं कहा ना भी सिख झूठे तुहाडे जरनैल झूठे जाओ कहिंदा हाँ गुरु हरगोबिंद तुसी भी झूठे गुरु नानक दी दुकान ही झूठिया दी है। ते जदों गुरु हरगोबिंद साहब नूं बुरा कहा ते बाबे बिधी चंद ने तैयारी कस ली भी इहनूं गोटा फेरना पैणा है वह भी गुरु की ताबिया पर गुरु की ताबिया विच उस झगड़े तो मनाही है जिहड़ा सिख एक दूजे दीआं पगां लाउण लग पैंदे ने। पर जेड़ा गुरु की मर्यादा नूं भंग करे गुरु की शान विच कुछ बोले उस मसे रंगड़ नूं गुरु की हजूरी च ही वढ़िया गया सी। फिर घेरड़ नूं गुरु हरगोबिंद साहब की हजूरी च ही वढ़िया गया सी। जदों पैदे खां ने आख्या गुरु हरगोबिंद साहब झूठे बाबा बिधी चंद वधण लगे गुरु हरगोबिंद साहब ने इशारा करता भी कोई गल नहीं साडा बच्चा है। मापिआं नूं बच्चे कई बार अल्फाज भद्दे कढ ही दिंदे ने बख्शिंदा गुरु साडा। ते जदों कहा ना भी गुरु नानक दा घर ही झूठा फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने नहीं रोकिया बाबा बिधी चंद नूं। वेखो किरपा सी पैंदे खां ते ते घोड़े ते सवार सूरबीर दे सणे घोड़ा मोढ़ा ला के चुक के उछाल के सुट दिंदा सी। किरपा सी ते दो शान भिड़दे सन सिंगां तो फड़ के उलार के परां नूं कर दिंदा सी। आ सिक्का देखिया ना करंसी तांबे दा सिक्का कोई लोहे दा सिक्का कोई सोने दा सिक्का दोहां पोटियां विच लै के इन्ना बल सी जदों मसलदा सी ते मूहरां मिटा दिंदा सी पोटियां तो। भुलेखा यह पै गया भी जोर मेरा है ये भुल गया सतगुर मेरा ताण नितान जिन्ना भी तेरे च बल है गुरु नानक दी देन है उन्हों भुलेखा पै गया भी शायद मेरी बरकत है। अच्छा जेड़ा किसे तो ढहिंदा नहीं सी गुरु हरगोबिंद साहब दे इशारा की होया पैंदे खां दा शरीर मिट्टी हो गया। बाबा बिधी चंद ने मार मार हुजा मार मार कसुन जबाड़ा भन दिता ते सीधा आखण लगे बाबा बिधी चंद जी तू कहिंदा सी पैंदे खां जे मैं विटर गया ते शाहजहान नूं लै के फौजां लै के गुरु क्या नूं मिटा दवांगा जा अज गुरु तेरे नाल विटर गया है जाके शाहजहान दी ओट लै लै तैनूं मिटनों हुण कोई दुनिया ते बचा नहीं सकेगा। ये बाबे बिधी चंद दे बोल सन। पसलियां पनवा के ये शाहजहान दे दरबार विच पहुंचा है नाल अपने परौणे नूं लै के। जदों घर गया ना परौणा कहिंदा भी आ चंगा फल दिता ई गुरु क्या तैनूं सेवा दा ते नमोशी विच परौणे नूं कहिंदा भी ये सरोपे तेरे ही पुआए होए ने ये तेरी करतूत करके डांग फिरी है। ते कहिंदा चल फिर शाहजहान को चलिए गुरु क्या दा वैरी है गुरु दा मलिया मेट करवा देवांगे।
शाहजहान को पहुंचे ते शाहजहान नू कह दिता भी तीन जंग तू हारिया है उदा कारण मैं सी चौथा जंग अज गुरु हारेगा मैनू फौजा दे दे। फिर काले खाने बीड़ा चुकया फिर जलंधर दा सूबा की फिर बड़े बड़े जरनैल लैके ये तुरन लगे ने काले खां नू 52,000 दे करीब फौजा दित्तियां ने शाहजहान ने। और अगे चल पवो कुतुब खां 11,000 फौज लैके आया दुआबे चो जलंधर इलाके चो 12,000 फौज रल गई किन्ने हो गए 75,000 75,000 ए फौज तैयार हो गई। ते फिर लुटेरे गुजर ए लोटू पार्टियां नाल रल गई भी गुरु कर धन बड़ा होंदा इन्हां नूं लड़न देवांगे ते आपां धन लुटांगे है सारे ही इस्लाम नूं मन्नण वाले। बड़े लटेरे रल गए इतिहास विच जिक्र है भी लख तों उत्ते फौजां हो गईआं ते दूजे बन्ने बाबा विधि चंद नूं महाराज ने थापड़ा दिता अपने जरनैल बाबा गुरदित्ता जी वड्डे लखते जिगर पातशाह दे उहनां नूं थापड़ा दिता। मुगलां कोल लख तों उपर फौजां ने काले खां कुतुब खां पैंदे खां उस्मान खान अनवर खान मलक ततार ए जिथे बड़े बड़े सूरबीर फिरदे ने ते गुरु साहब कोल सिर्फ 3600 सिख एक बने लख तों उत्ते फौजां एक बने 3600 सिख। मैं केवल पैदे खादे युद्ध का जिक्र ही करांगा इतिहास बड़ा लम्मा है क्योंकि गुरु एडा बख्शिंद है ना अकृत घणा नूं भी बख्श दिंदा पर जेड़े नमक हराम करन हलाल तों हराम कर देन सजा भी दिंदा है ते जे उह डिग दे टेंदे फिर मुआफी मंग लैण चरना ते डिग पैण ते मैं फिर पढ़ दवां जो सरण आवै ते सकंठ लावे। रब दा सुभाव मां प्यो वर्गा हुंदा बच्चे लख गलतियां करन खिमा जाचना कर लैण मन लैंदा है। हुण पैंदे खां ने वेख्या है भी जरनैलां दी ते कोई वाह जांदी नहीं फौजां दी ते कोई वाह जांदी नहीं ते काले खां वर्गे कहिंदे पैंदे खां ना फौज मरवा के गुरु दे सामने होवेगा दावे बड़े करदा सी शाहजहान दे दरबार अंदर भी मैं गुरु नूं बन लियावांगा घोड़े सने चुक लियावांगा ओ खलोता ही गुरु ते जा जाके हुण चुक लिया। पैंदे खां दे बारे फिर इतिहास विच आउंदा है खरे गुरु एकल पिखे चित की चौंप बढ़ाए पैंद खां हाय चपल को प्रेरियो चलियो फंदाए गुरु तके भी कले जे लगदे ने सिंह इर्द गिर्द फैले हुए ने ते घोड़े नूं अड्डी ला के ते गुरु महाराज वल नूं घोड़ा दौड़ा दिता गुरु पातशाह वल वधिया उहदे घोड़े दा नां सी वरोला ते दिता भी पातशाह दा ही है वरोला नां तां सी उह अरबी घोड़ा भजदा इन्ना सी भी हवा नूं मात पावे। अच्छा घोड़े सूरबीरां को ऐसे ही हुंदे ने कवियां दी लिखत कमाल हुंदी है कवि जी कहिंदे वरोला तरंगम बड़े बेग संगम वरोला तरंगम बड़े बेग संगम होतो कोट छोटा पटंकीन ओटा गुरु दे घेरे घेरे सूरमे खलोते इउं लगे जिवें कोई छोटा किला हुंदा है ते वरोले नूं वाह वरोले वर्गे घोड़े नूं अड्डी ला के फिर पैंदे खां वधिया भी ए सिंघां नूं इन्हां सिखां नूं इस कोट नूं ते टप के ही गुरु कोल मेरा घोड़ा पहुंच जाएगा। कलगीधर भी एक जगह कहिंदे ने ना माते मतंग जरे जर संघ अनूप अतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग तुरंग घोड़े नूं कहिंदे ने कोट तुरंग कुरंग से कूदत कुरंग हिरन नूं कहिंदे ने। कलगीधर महाराज की कलम चो इन्नियां कु भाषा पैदा होईयां ने उहदी 42 वरियां की उम्र वह दसम बाणी सरबलो विच अणगिणत भाषा लिख गया अपनी 400 वरां उम्र होवे ते अधियां नहीं सिख सकदे आपां क्यों जी क्योंकि रब नूं सिखणा नहीं पैंदा उह किहदी जोत है सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी उहनूं सिखणा नहीं पैंदा। शना सिंधे इलमे आलम गुछाए वह सारिया इलमां का मालक है जफरनामे दे बोल ने वह कई बार मेरे वर्गिया समझ नहीं आती वह कह देंगे असं बाणी मानते ही नहीं कारण बाणी में कमी नहीं है हम सीखण कितों बेचारे कथा तो कह देंगे हम साल च ही सीख लीए तो इन्ने के चिर च सीखे जोड़े बोल ने संगत को गुमराह तो कर सकते हैं सीधे बंद नहीं पा सकते प्रचारक श्रेणी इदा थोड़ा है भी जो मर्जी रेहड़ी ला के समान बेचण लग पो उमर लंघ जाने सीखते हैं
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ MD MBBS ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਹਿਰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨੇ ਭੱਜਣ। ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੀ ਉਪਮਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਰਬੀਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਮਾਤ ਪਾਉਣ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰੋਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵਧਿਆ। ਤਹਾਂ ਬੀਚ ਠੰਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਪ ਬਾਢੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਬੀਚ ਠੰਡੋ ਗੁਰੂ ਕੋਪ ਬਾਢੋ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਖੇ ਪੈਂਦ ਖਾਨਾ ਕੁਦਾਇਓ ਕਿ ਕਾਨਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਚਾਉਂਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਾਉਣ ਦਿਓ ਇਸਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ, ਪਰਿਓ ਪਾਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਛੁਆਏ। ਇਉਂ ਉੱਡਦਾ ਇਉਂ ਦੌੜਦਾ ਪੈਰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਭਇਓ ਲੱਖ ਮੋਲਾ ਸੋ ਨਾ ਮੰਗ ਵਰੋਲਾ। 1 ਲੱਖ ਦਮੜੇ ਦਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਇਓ ਲੱਖ ਮੋਲਾ ਸੋ ਨਾ ਮੰਗ ਵਰੋਲਾ, ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਜਾਈ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੀਓ ਖੈਚ ਖੰਡਾ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਲੀਓ ਖੈਚ ਖੰਡਾ ਤ੍ਰਿਖੀ ਧਾਰ ਚੰਡਾ, ਹਟੇ ਔਰ ਹੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੰਡਾ ਖਿੱਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹਟ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇਸ। ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਦੁਰੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਤੀਕਾਂਬਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਫਿਰ ਮਾਟੀ ਸੇ ਪਰਹੇਜ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਖ਼ਤ ਦਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਧਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਰੋ, ਜਥਾ ਓਜ ਧਾਰੋ, ਕਰੋ ਨਾਹੇ ਟਾਰਾ, ਚਿਤੋ ਮੋਹੇ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਕੁਟਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਵਨ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ। ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਪਲਟੇ ਕੋ ਸਮੋ ਅਬ ਲੈ ਹੋ ਪਕਰੋ ਤੋਹੇ,
शाहजहान के निकट लै ते ठां शोरन हो है तैनू बन के पातशाह नू कह रहा सी आया गुरु हरगोबिंद साहब तैनू बन के शाहजहान दे दरबार विच पेश करांगा अज मैं जदों ये पदे बोल बोले ना हंकार दे इत्थे ही नहीं टलिया आखण लगा जौ जीवन चहो अपना चलिया है आगे हुए हजरत संग मिलाए कर खता बख्श है सोए जे बचना चाहते हो तो हाथ जोड़ के चलो मेरे नाल दे मैं शाहजहान को बख्शा देवांगा तुहानू एक दरियावी पातशाह दे अगे किसनू झुकाउण दी गल कर रहा है जो लोक परलोक दा पातशाह है महाराज ने सुनिया भी हंकार विच इहदा दिमाग भौं गया है हंकार विच इहदी सुरती कम छड गई है ते जे नहीं ना कहिंदा मेरे नाल जाणा नहीं तो संभारो जिते ओज तारो करो वार खंडा बने दो ए खंडा फिर कढो खंडा ते मेरे नाल मुकाबला करो महाराज वीर रस विच आए गुरु कोप तारे सो बाकं उचारे महाराज जोश विच आए कहिंदे जोगी दी सो त्रस है तके शाहे पासे कहिंदे आए पैंदे खान गिदड़ां दा काम है अगे लग के चल पैना गिदड़ां दा काम है मुआफी मंग लैणी स्यारग झुकदे ने शेरां अगे ते शेर तेरे सामने खलोता है जे शाहजहान शेर हुंदा ते सामने आउंदा गिदड़ बन के महलां च ना लुकिया रहिंदा शेरां दा काम झुकना नहीं है हमें जंग भावै और रिपु ब्रिंद कावै नहीं मेल ठाने हने आयु थाने मैं मेल नहीं करांगा उसना जिन्ने चाहे मेरे नाल जंग लड़ लवे हुण तू सच्चाई सुन लै तैनू बुरकियां दे के पालिया सी अज तेरा समा अज देवनेत तेरे कर्मां नू ऐसा बना रही है समा तेरा मुक गया है याद रखी पैंदे खाना जिनकी चीरी दरगह पाटी तिन्ना मरना भाई जिन्हां दी दरगाहों साहां दी चिट्ठी पाड़ जावे कोई बचा नहीं सकदा तेरे साहां दी चिट्ठी अज पाड़ गई है तेरा अज समा आ गया है करै तोर हाना लीजै साच जाना अबै प्राण तारै ना तामंग सिदारै हुण घर नहीं मुड़ेगा तू उस दिन दरबार चों तैनू जान दिता जान इसलिए दिता तू समझ जावें अज नहीं मुड़ेगा ते साडा करमी जंग लड़ना है दागे होए सुरन मैं जूझै बिन दागै भग जाई जिन्हां ते निशान है काल पुरख दा उह डरदे नहीं किसे तों कहिंदे परयो काल तुंडा बनै रुंड मुंडा तेरा काल आया है तेरा ए धड़ दे उत्ते खलोता रुंड उड़ा दवांगा मैं हुण पातशाह ने ललकारिया कहिंदे तेरा समा आ गया है पर कहिंदे मैं पहला वार नहीं तेरे ते करना तैनू हथी पालिया है मैं तैनू तीन मौके दवांगा दुनिया के इतिहास विच दो ही सूरमे हुए ने एक गुरु गोबिंद सिंह दूजे गुरु हरगोबिंद साहब जिन्हां दुश्मन नू पहल करन दा मौका दिता है नहीं तो दुश्मन यही सोचता है भी पहले ही ढा लईए कम नबेड़ दईए वैरी दा और एक वार करन दा मौका दे देना यह तो हो सकता है ये कह देना भी पहला वार ने सफल गया दूजा वार कर लै दूजा वार ने सफल गया तीजा वार कर लै ये तो गुरु हरगोबिंद गुरु गोबिंद ही कर सकते ने होर कोई तीसरा पैदा नहीं होया जानते ने ना रब दे सरगुण स्वरूप ने रब नू केड़ा ढा सकता है बंदे नू बंदा ढा सकता रब नू थोड़ी बंदा ढा सकता है महाराज कहिंदे वेख तैनू इसलिए पहला वार करन लई कह रहे हैं एक दे हथी पालिया दे दूजा तू शाहजहान दे दरबार विच बड़ा टप टप के कहिंदा सी भी मैं गुरु नू बन लियावांगा गुरु मेरे आसरे जंगा लड़दा रहा है ते चल हुण अपना वचन पूरा करते लै पहला वार तू कर लै इतिहास विच जिक्र है भी उन्हें तिखी तलवार लई ते हिरदे विच सोचिया भी घोड़े ते महाराज ने घोड़े ते मैं आ जोर नहीं पवेगा ये तलवार नाल टाले नाल मेरा वार रोकणगे मैं घोड़े तो उतर के वार करा जे चल गया ठीक है नहीं तो मोटा ला के सने घोड़ा पड़क के मारांगा गुरु मैं ये व्योंत बनाई उसने महाराज दे सामने घोड़ा छड़िया है ऊपर मोह बल लाग नहीं है ऊपर मोह बल लाग नहीं मिल दोए तरंगम लरंत सही
ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਖੜਗ ਲੈ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਛਲ ਕੇ ਉਸ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖਤ ਧੀਰ ਧਰੀ ਪਗ ਸਾਥ ਸ਼ਿਤਾਬ ਰਕਾਬ ਕਰੀ। ਰਕਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਰਕਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 10 ਸੇਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, 7-8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਾਰ, ਉਸ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਨ ਪੈਂਦ ਖਾਨ ਕੁਪਕੈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਖੰਡਾ ਉਭਾਰ ਬਾਹੂ ਦੰਡ, ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਖੜਗ ਚੁੱਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਢਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਖੰਡਾ ਜਦੋਂ ਢਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਖੰਡਾ ਦੁਖੰਡ ਟੂਟਿਓ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਖੰਡਾ ਦੁਖੰਡ ਟੂਟਿਓ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਹਿ ਹੱਥ ਮੁਸ਼ਟ ਵੱਢ ਬਾਹੋ ਦੰਡ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਲੇਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨਾ ਤੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਟੱਕਿਆ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਭਲ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਠੀ ਕੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸਤੇ ਨਾ ਉੱਠ ਹੈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਬਡੇਰਾ, ਤਿਸਤੇ ਨਾ ਉੱਠ ਹੈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਬਡੇਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਿਸਤੇ ਨਾ ਉੱਠੈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਬਡੇਰਾ, ਸਮਰੱਥ ਉਚਾਏ ਸਾਖੇ ਸੁਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, ਘੋੜਾ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ ਵੰਗਾਰ, ਸੁਣ ਰੇ ਪਠਾਨ ਮਮ ਵਾਰ ਦੇਹੋ ਬਨ ਸਾਵਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ,
तू तीन वार मेरे ते कर लए ने दीन, दुनिया दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब ने ढाला लैके सिर विच मारिया, ओ दूर होके घोड़े तो परा होके डिग पिया ते मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, पातशाह घोड़े तो उतरे ने। वेखो किदां दा बिरद है, हथी पालिया है ते घोड़े तो उतर के उड़ीकन लग पे भी हुण उठे ते जंग लड़िए ते मूर्छित हो गया, वार नहीं कीता उतर के। जदों वार ना कीता उड़ीकदे ने पैदे खां मूर्छित होया प्यार, लड़ाई थम गई भी पैदे खां डिग पिया है ते कहिंदा सी गुरु नूं चुटकियां ची बन के लै जाओ। महाराज ने उड़ीकिया, पैदे खां उठिया, फिर गज के पातशाह कहिंदे सुन रे पठान, महाराज फिर वंगार दे ने बोले वंगार सुन रे पठान, मम वार एहो बन सावधान मेरा वार हुण चल तू। ते पैदे खां कहिंदा तुहानू वार मैं करनी नहीं देना, उठ के कहिंदा तुहानू वार करनी नहीं देना, अगे दे छुट गए जे घोड़ा फड़िया सी हुण नहीं छुट्टोगे, हुण घोड़े तो उतरे जे ऐसा जफे विच लवांगा पीस के सुट दवांगा। गुरु हरगोबिंद साहिब वल वधिया ते कहिंदा चुक के ही लै जावांगा शाहजहान दे दर उत्ते तुहानू। हंकार विच गलदान ते जदों पातशाह वल वधिया, सुन गुरु कोप ते लाल नैन, सुन गुरु कोप ते लाल नैन, नहे गहो छुट गा सुखैन, हुण महाराज कहिंदे सुखैन ही छुट जावांगा, तू मैनू पकड़ नहीं सकदा। ये पैदे खां पातशाह वल वधदा है, महाराज खड़ग लैके पैदे खां वल वधदे ने। जदों दीन दुनिया दे मालक नूं अगे होके जफे विच लैण लगा, महाराज चंचल ताई दे नाल पासे हटे ने। कवि जी कहिंदे अवकाश पाए श्री हर गोबिंद, खर खग प्रचंड तड़िता मनिंद, पासे होके झाकी दे के चंचलता करके गुरु हरगोबिंद साहिब ने फिर तलवार ओ खड़ग ओ दीन दुनिया दे मालक ने तेगा हवा विच लहराया है। इउं लग्या कवि संतोख सिंह कहिंदे जिवें बिजली चमकी होवे। महाराज अवकाश पाए, मौका पाके अवकाश पाए श्री हरगोबिंद, खर खग प्रचंड तड़िता मनिंद, बलते उभार शत्रु शरीर, बलते उभार शत्रु शरीर, कीनो प्रहार दीनो सो चीर, चुक के ओ प्रचंड जई खड़ग, चुक के ओ तेगा गुरु हरगोबिंद साहिब ने पैदे खानू आख्या, पैदे खाना कलमा पढ़ लै तेरा अंत समा आ गया है, अज तैनू काल भी गुरु हरगोबिंद साहिब दे वार तो नहीं बचा सकता। मुहम्मद जी नू याद कर लै, अपने इष्ट नू याद कर लै, क्योंकि गुरु हरगोबिंद दे वार तो तैनू खुद मौत भी बचा नहीं सकती, क्योंकि काल भी खुदा दे हुकम विच है ते खुदा इत्थे दुनिया दे उत्ते आप नारायण, कलाधार जग मैं परवरियो गुरु नानक, गुरु गोबिंद गुरु हरगोबिंद बन के आया है ते तैनू हुण मेथों मौत भी नहीं बचावेगी। महाराज ने ललकारिया है ते ओ बोल सुनियो, जदों महाराज वार करन लगे ते पैंदे खां कहिंदा जब गिरन लाग कह गुर उधार, तब तुरक जन्म कलमा उचार। महाराज जदों वेखदे ने डिगण लगा है कहिंदे आ तुरक तू कलमा उचार लै, ते मरन लगा डिगण लगा ढहण लगा पैंदे खां गज के बोलिया गिरन लग्यो, गिरन लग्यो पैंदे खान तब है श्री गुर तुव तलवार, भई रूप कलमा अब है करिए मोह उधार। कहिंदा है गुरु हरगोबिंद साहिब हुण कलमा ते तेरी तलवार नहीं पढ़ देनी है, ये कलमा जिहड़ी तेरी तलवार ने पढ़नी है, इहदे नाल निजाकत मिल जानी है, मुक्ति मिल जानी है, मैनू होर कोई कलमा पढ़न दी हुण लोड़ नहीं जापदी। समझ गया, अवकाश पाए श्री हर गोबिंद, खर खग प्रचंड तड़ता मनंद, बलते उभार कीनो प्रहार दीनो सोचीर। जदों वार कीता पातशाह ने गुरु हरगोबिंद साहिब ने,
बल ते उभार शत्र शरीर कीनो प्रहार दीनो सोचीर कलवत्र मनो लैके त्रिखान कलवत्र मनो लैके त्रिखान जिम करत दोए काष्ट महान जिमे कोई कारीगर जिमे कोई राम गढ़िया सिख लैके आरा रुख चीर दाए गुरु हरगोबिंद साहब ने पैदे खां दे गलुए मुबारक ते वार कीता वखी चों तलवार इउं दो टुके करके लंघ गई जिवें कोई साबण बनाउण वाला तार नाल साबण नूं चीरदा है जिवें कोई राम गढ़िया सिख आरा लैके रुख नूं चीरदा है ते वड्डा रुख दो फाड़ होके डिगदा है गुरु दी तलवार ने पैदे खां मिट्टी विच मिला दिता दो फाड़ करके सुट दिता धुप पैंदी सी फिर भी हथीं पालिया सी ढाला लैके महाराजो दे सिर ते करदे ने भी फिर भी आप ही पालिया सी असीं ऐसे गुरु पातशाह ऐसी उहदी शख्सियत ऐसी उहदी बुलंद हस्ती पर ठीक है इसने नमक हराम कीता सी मेरे गुरु का सुभा है गुर गोबिंदा गुरदयाल सदा बखशिंदा वो सदा ही बख्शन वाला है सच्चा पातशाह जिमें बच्चे कोई गलती करन सुत अपराध करत है जेते जननी जीतना राकस तेते ऐसा उहदा बख्शिंद बिरद पैदे खां दा संघार कीता कल भी आपां जिक्र कीता सी जेड़ा तलवार जेड़ा तीर उहदे नूं छू गया उहनूं मुक्ति मिली जांदी है क्योंकि गुरु ही मुक्ति दाता है गुरु महाराज ने करतारपुर दा जंग काले खां वर्गियां नूं मार के जितया शाहजहां नूं जीवन काल विच चार जंग हराए फिर इसे गुरु हरगोबिंद साहब दे लखते जिगर गुरु तेग बहादुर साहब दे लखते जिगर गुरु गोबिंद सिंह ने 14 जंगां विच मुगलिया सल्तनत दा खुरा खोज मिटाया ऐसी तलवार म्यान चों निकली फिर बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ते बाबा बघेल सिंह हुणा ने दिल्ली जित के तलवार म्यान विच पाई है खालसे दा राज फिर होया भारत वर्ष ते ऐसा महान गुरु क्या दा इतिहास है मैं एक शेर पढ़ के फतेह बुलावा तेगश दुश्मन अफगन वातीर शखारा शिकन पत्थरां वर्गे दुश्मना नूं तलवार ते तीर नाल गुरु हरगोबिंद तोड़ ना जानदा है उहदे सामे कोई दुश्मन अड़ नहीं सकदा ऐसा उन्हां दा इतिहास है जिथे उह मुक्ति दाता ने झोलियां भरन वाले ने उथे 52 बाई धार दे राजिआं नूं रिहा करवा के बंदी छोड़ सतगुरु भी अखवाउंदे ने जे चाहुणा है बंधना तों निजाकत मिले गुरु गुरु गुर कर माना मोर गुरु बिना मैं ना ही होर गुरु हरगोबिंद साहब नूं जप दुखां दे विकारां दे काम क्रोध लोह मोह दे बंधना तों तैनूं निजाकत दवा देवेगा।